नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हो गई है 3 अप्रैल, तीन आज शुक्रवार का। आइए जान लेते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज कब शुभ समय लग रहा है, कब अशुभ समय लग रहा है, आपको अपने शुभ कार्य कौन से समय में करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। आज सूर्य उदय सुबह 6:09 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा। शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है, जो कि रात 12:58 तक 4 अप्रैल तक है। उसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जो कि शाम 6:41 तक है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लगेगा। योग सुकर्मा योग है, जो कि दोपहर 1:11 तक है। उसके बाद धृति योग लगेगा। करण तैलिल करण है, जो दोपहर 1:56 तक। उसके बाद करकरण लगेगा, जो कि 12:58 तक 4 अप्रैल तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं संवत के बारे में। शक संवत 1942 सर्वरी और विक्रम संवत 2077 प्रमाथी चल रहा है। आइए अब जान लेते हैं शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। आज शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त लग रहा है, वह 11:59 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने सभी शुभ कार्य कर लें। शुभ कार्य यदि आप अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो वह जरूर सफल होते हैं। वहीं अमृत काल दोपहर 12:30 से दोपहर 2:03 तक रहेगा। रवि योग आज पूरे दिन रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:28 से 6:52 तक। तो ये थे आज के शुभ मुहूर्त। आइए अब जान लेते हैं आज के अशुभ मुहूर्त कब लग रहे हैं। आज का सबसे पहले जानते हैं राहु काल। राहु काल में सभी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। आज का राहु काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:24 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और वहीं गुलिक काल सुबह 7:43 से सुबह 9:17 तक रहेगा। तो ये थे आज के अशुभ मुहूर्त। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आज का पंचांग आपको पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके और पंचांग को जान सके। यदि आप पंचांग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रोजाना पंचांग और ज्योतिष से संबंधित खबरों को जान सकें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।